बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मैं चर्च के बाहर मौजूद हूँ। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, हमारे मसीही भाइयों का बड़ा दिन, डिफरेंट आप उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में, बट आज उनकी प्रेयर का टाइम है। अभी चर्च में हमारे मसीही भाई इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। आज के शो में सिर्फ उनसे थोड़ी सी बात करके कैसा पाकिस्तान होना चाहिए था, कैसा पाकिस्तान है और वे फॉरवर्ड क्या है और क्रिसमस का पैगाम क्या है, आइए आज अपने मसीही बहन भाइयों से बात करते हैं और रابطہ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये मोहब्बतों का पैगाम है, मुस्लिम हो या क्रिश्चन हो, ये मोहब्बत होनी चाहिए सबके अंदर। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं ना जी, मैं पाकिस्तानी, सारे के सारे, फिर उसके बाद हमारे मज़हब अलग अलग, मज़हब का तलक नहीं है। बिल्कुल, मुस्लिम हो या क्रिश्चन हो, ये आज हमारे यीशु का दिन है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक्स सो मच। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मैगी। मैगी, वेयर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी, एंड व्हाट यू डूइंग हियर टुडे? Oh, I'm celebrating Christmas with that great Lahori community of Christians, and I felt very inspired during the church service because all people were seriously celebrating Christmas and not just sitting there for being there, but they were seriously passionate about Christmas. Are you on Christmas. Holidays in Pakistan? No, I work, here. Okay, all right. What is the message of Christmas? The message of Christmas is love your next one as you love yourself. We are a world community, we are a community of friends, of close relatives, by being human beings, and we should be reminded of exactly that, that we should love one another. Fair enough. All right, what is the message of Christmas? The message, for everyone, for every Pakistani. The message of Christmas for everyone is that we may share the life of God. Yeah. That we are not just human beings living in this world until we die, but that we actually share the life of the Creator. That's what we believe. And that's what the message I think was that should today. Be the message of every day, not only 25th of December, not of only course. Christmas Day. That should be the of message of course. Every single day. Of course, very well said. Yes, very well said. So I take those words back and implement these ones. Good, very good. Thank you. God bless you. Shabash. Thank you very much. God bless you. Thank you. God bless you. चल भी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। क्रिसमस डे जी, बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के जहाँ पर बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग, खान का ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बहाई हैं, उन्हें मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। और आज हम देख रहे हैं कि क्रिसमस का ये दिन है और हमारे जो मसीही जो बहन भाई हैं वो खुशियों के साथ आज़ादाना तरीके से चर्च में इबादत कर रहे हैं, क्रिसमस की ईद मना रहे हैं। और हम अपने मसीही भाइयों को जी, और हम अपने मसीही भाइयों को हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो कि इब्ने मरियम हैं, हम उनके योम पैदाइश पर अपने मसीही बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल आवर क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। क्रिसमस का पैगाम जी, आज मैं समझता हूँ कि हमें क्रिसमस के मौका पर ख़ास तौर पर इस दुआ को ज़रूर करना चाहिए कि अल्लाह ताला वो जगह जहाँ पर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, आज वहाँ पर ज़ुल्म सितम हो रहा है, इंसानियत खून में नहा रही है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस सरज़मीन को अमन का गहवारा बनाए, ताकि जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस का जो मैसेज है, प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस का, हाँ जी, पीस का खुदा, उसको पूरी दुनिया में उस अमन को बहाल करे और हम सब मिलकर इस सरजमीन को, इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सामने सर, खैरियत से? ठीक ठाक हैं जी सर। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, पैगाम क्या है बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिश्चियन, पैगाम क्या है सबके लिए? पैगाम ये है कि सब हंसी खुशी रहे, तो क्रिश्चियन मेजोरिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई इतजाज या किसी किस्म की नफरत में किसी भी मज़हब में नहीं है, नहीं है सर। किसी, यही वजह है कि आज देखें ना, आपको सामने मौलाना साहब नज़र आ रहे हैं, मुझे अंदर जाते हुए जब मैं आ रहा था चर्च में, एंटर होते हुए एक सिख नज़र आए हैं, सरदार जी नज़र आए हैं, सो पाकिस्तानी होते तो सबके सब इकट्ठे हैं जी सर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन वो शरारत हर मज़हब में चुनती है, वो शरारती फैक्टर या नज़र हर मज़हब में होते हैं, लेकिन हमारा पैगाम तो सबका मोहब्बत है ना जी सर, सबके सबका सिर्फ मोहब्बत है। तो हम तो कहते हैं सारे प्यार मोहब्बत से रहें, जो भी आपके दिल में कोई है, कोई बात है, तो उसको इग्नोर करें,
और हंसी खुशी रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे टिक टॉक अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिसमस डे पैगाम क्या है क्रिसमस डे का? क्रिसमस डे पे एक्चुअली मेरा यही पैगाम है कि इट्स अ बिग डे, इट इज अ बिग डे इंडीड। पीपल कॉल्ड, यानी कि पंजाबी हम कहते हैं इसे बड़ा दिन, तो ये वाकई बड़ा दिन है। बड़ा दिन से मुराद खुशियाँ हैं, और यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुशियाँ फैलाएँ और मोहब्बत फैलाएँ। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस इस क्रिसमस पे इंजॉय करें, खुशियाँ बांटें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और इंजॉय करें। ये आपका पैगाम था क्रिसमस डे 25th December, सिखाता क्या हमें, वो मैसेज क्या है? सबसे पहले क्रिसमस डे बेसिकली हमारे नबी का दिन है, ठीक है, और नबी जो होता है अल्लाह पाक का, वो उनके बहुत से करिश्मात होते हैं, ठीक है। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि क्रिसमस डे स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो अमन का पैगाम है, हमारे नबी का दिन है, और दुआओं का दिन है, खुशियों का दिन है, रोशनी का दिन है, तो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसे हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी तरफ से पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ भी फॉरेन कंट्रियों में, हैप्पी क्रिसमस, नया साल मुबारक। क्रिसमस का पैगाम क्या है? पैगाम वो दुनिया में उसका बेटा हमारी खातिर आया, उसने पैगाम दिया, खुशी का पैगाम दिया सबको, पूरी दुनिया को। अब पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते पैगाम क्या है? पाकिस्तानी होते यही पैगाम है क्योंकि सब एक से हैं। हाँ जी, मोहब्बत का पैगाम, बिल्कुल मोहब्बत का पैगाम यही है कि एक दूसरे से प्यार करें, इज्जत करें, इज्जत करें, एक दूसरे एहतराम करें जी, तो बुजुर्गों का तो एहतराम करें, बुजुर्गों का नहीं, बच्चों से प्यार करें, सबका सबका एहतराम करें, ये जरा एक दूसरे को स्पेस दें, कोई बात नहीं, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को वो एहतराम दें कि आप किसी को इज्जत करेंगे तो वापस इज्जत मिलेगी। ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्रिसमस मुबारक। आप कितने बजे आए आज? आज आए 9 बजे। 9 बजे नहीं आए थे, सर्दी थी, तो इसलिए बच्चों के इंतजार कर रहे हैं, बेटी के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो लोग नहीं आए अभी? नहीं, वो नहीं आया, उसका मियाँ आया विलियम, उसका उससे पूछा, वो कह रहे रात को नहीं है, रात को आए तो अभी नहीं आए, बच्चे हैं छोटे। सही सही, इसलिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं सब लोग क्रिसमस की, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हाँ। बहुत खुशी का दिन आज का। तो अच्छा, ये क्रिसमस की सेलिब्रेशन कितने दिन चलती रहेगी हमारी? ये 8 दिन का होता है हमारा। 8 दिन का? हाँ, मतलब ये 3 जनवरी तक चलेगा? हाँ जी, उसमें न्यू ईयर भी आ जाएगा सारा। हाँ जी, सब कुछ। तो इसमें 8 दिन छुट्टी है? नहीं, हमारी छुट्टी होती है, हम लोगों को बस एक ही छुट्टी मिलती है, आप लोगों की 4 होते हैं, हमारे लोगों की एक ही छुट्टी है। आगे इस मौका 2 दिन का काम, वो दुकानों वाले कह रहे थे यार क्या हो गया, कारोबार किधर है, कारोबार बंद हो गया, हम तो रोटी से भी आज़ाद हो गई, ऐसे ही कारोबार बंद हो जाए तो फिर वो मालिक दुनिया का मालिक वो है। वही मैं पूछना चाह रहा था, रखने के लिए इधर जगह नहीं होती इस चर्च में। हाँ जी, क्या हुआ, कहाँ गए लोग सारे? बस रात कम्युनिटी तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी तो है, मतलब अच्छी खासी तादाद है, रातों के साथ है ना सब कुछ, लोग घरों में बैठे हैं, कारोबार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगार, हमारे खुद बैठे बैठे हुए हैं, अल्लाह हू अकबर, रेंट पे रह रहे हैं, आसानी करे अल्लाह पाक, ये हालात है, ये तो हालात है इस तरह के। अंदर भी इतना रोई हूँ कि एक काम किया करें कि जब भी चर्च आती है, जब भी ख्याल आता है इस मुल्क के लिए, हम सबके लिए दुआ किया करें, पहले सबके लिए करते फिर हम अपने लिए दुआ किया करें, दुआ ही है वो वाइज चीज, सिख है, ईसाई है, सबके लिए पहले हम उन लोगों के लिए दुआ करते फिर हम अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह आसानियां करें, हम सबके लिए आसानियां करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब है ना, वो तो हम सबका है ना, यही पे आसानी, हम लोग तो इधर इकट्ठे ही रहते हैं, मुस्लिम है, जो भी है, वो बात की कहानी, मतलब तो बात की बात है ना, सबसे पहले तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हम, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, आपने भी दुआ करनी है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मेरे कहने के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर, जब भी चर्च आना है स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस मुल्क के मसाइल हल करे, ये इस मुल्क के मसाइल कम होंगे तो हम सब आगे चलेंगे, हम सब तरक्की करेंगे जी। अल्लाह खुदावंद का शुक्र है, अल्लाह ताला का वो गॉड है, गॉड इज गॉड, गॉड इज गॉड, यस गॉड इज गॉड। चले, थैंक यू वेरी मच भाई। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठंडी लग रही है आपको? नहीं, ठंड नहीं लग रही, मैंने तो अभी पाके ठंड लग दी, मुझे दिल था एक आधा स्वेटर और पहन लो, जैसी गवर्नमेंट है हमें ठंड लगनी भी नहीं चाहिए क्यों आपको भी पता नहीं, ठंड ज़्यादा लगनी चाहिए आपको। अच्छा, क्रिसमस डे का पैगाम क्या है भाई? क्रिसमस डे का पैगाम है खुशियाँ और
सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने मसीह के, आज बर्थडे था हमारे का, तो उसके वसीले से हम चर्च आए हैं, चर्च में प्रे किया और अब दुआ क्या क्या मांगी? दुआ सबसे पहले हमने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी है, उसके बाद पूरी क्लीसिया के लिए दुआ मांगी और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी है कि यहाँ पे जो हालात हैं उनके लिए, जो मसले मसाइल दुनिया के बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए दुआ मांगी है कि मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे। आमीन आमीन। क्योंकि मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। हम सब तरक्की करें। ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल। चलो शुक्र है मियां बीवी किसे एक एक जे एक गल ते कायल हो गए ने, मुत्तफिक हैं दोनों। और वैसे भी चर्चेज में कहना नहीं पड़ता, हमारे चर्चेज में बकायदा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी और मुल्क पाकिस्तान के लिए सालमियत के लिए हमेशा से दुआएं की जाती हैं। और हम थैंकफुल हैं आप लोगों के लिए भी और ये पंजाब पुलिस के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए जो हम लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, इतना सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी वो लोग कर रहे हैं। इसी तरह खुदा अपना यानी हाथ हमारे मुल्क पर हमेशा बढ़ाए रखे और जो यहाँ के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सब कुछ ऐसे ही अच्छा अच्छा सब चलता रहे। 24 जो आने वाला नया साल है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी बरकतों का बाइस हो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मेरी बहन कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं शुक्र खुदावंद का। और 25 दिसंबर पैगाम क्या है? खुदा हमारे लिए निजात दहिंदा है, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी की बरकत, हमारी ज़िंदगी का पहला एम जो है वो ये है कि हम इसकी परस्तिश करें, इसको तहे दिल से कबूल करते हुए इसका इकरार करें कि वो हमारा निजात दहिंदा है। आज दुआ क्या क्या किया आपने? आज मैंने दुआ तो अभी नहीं की क्योंकि मैं अभी आई हूँ। हाँ। तो इनके मिसबिहेवियर ने मुझे थोड़ा ना किन के कर दिया है, ये इंतजामिया के, चर्च की इंतजामिया। हाँ जी, क्या हुआ? बस छोड़े इस बात को, चले फिर ना, वो आपका इंटरनल होगा। लेकिन इतने रश में जब इतना एक्चुअली हम आते हैं सुबह अर्ली प्रेयर के लिए। हाँ। तो अभी चूंकि ना बच्चे थे तो बच्चों के लिए ना अर्ली सुबह ना इतनी जल्दी उठना मुश्किल था। सही। तो थोड़ा ना इसलिए लेट किया कि ना चलो बच्चों के ना ये मसला ना हो कहीं सांस वगैरह का। हाँ जी, क्योंकि स्मॉग भी थी और उस वजह से। शुक्र है खुदा का। क्या बात है, मूड ऑफ हुआ है? बस मुझे इनको देख के मूड ऑफ हो गया। क्यों? बस इतनी खुशी से हम लोग आ रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ। इन लोगों ने मूड ही खराब कर दिया तो, जब उसकी हुजूरी में आते हैं तो इतना बड़ा दिन है, आज मूड ऑफ करने। उन्होंने माफ किया, उनका पैगाम ही हमारे लिए यही है कि अगर कोई कुछ बुरा करे तो आप उसको माफ कर दो। लेकिन अब आपकी चर्च की कम्युनिटी का मैटर है ना, उसमें मैं नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। हुआ क्या है? बस जब छोड़े 25 दिन का पैगाम क्या है इस पर? 25 दिन अमन से रहे, इधर से उधर से आ गया, इधर से अमन से रहे, मोहब्बत से रहे। हाँ। और अपने निजाद निजादिंदा से मनाए, खुशी सेलिब्रेट करें। थैंक यू, मैरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक। खैरियत से? खैरियत से। नई नई शादी हुई है जी? कब हुई है? 11 दिसंबर को। तो बेसिक चल ठीक हुई है, शादी की डेट याद नहीं है? 8 तारीख इधर ही हुई है, इधर इसी चर्च में हुई है, चर्च में हुई है। आपने याद रखना है, आपकी शादी की तारीख भूल गए थे आपके मियां, ऐ उन फड्डा आगे चलने करेगा। ठीक है जी। 25 दिसंबर पैगाम क्या है? खुशियों का पैगाम है सब लोगों के लिए। सब लोग ईद का खुशियाँ मना रहे हैं हमारे लिए। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में? बैंकर है। कितनी छुट्टियाँ? एक ही मिली है सिर्फ। एक ही मिली है जी। चलो, लेकिन आप वो खींच लोगे ना, एक तो खुद भी कर लोगे। खुद कर लेंगे। खुद कर लोगे। कैसी मेरी बहन? खैरियत से? सबसे पहले तो याद रखिएगा डेट भूल गए अपनी शादी की। आप क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ घर की। ओके, 25 दिसंबर क्रिसमस डे, पैगाम क्या है पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए पैगाम क्या है क्रिसमस का? बताओ, खुशियों का पैगाम है हमारे लिए। क्या पैगाम है हमारे लिए? सबके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मेरी क्रिसमस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? तालिया। और आपका? अनाया। कौन से स्कूल में हो? कैथीड्रल है। कैथीड्रल में ही है। क्रिसमस का पैगाम क्या है बेबी? बताएं कि क्रिसमस 24 दिसंबर 25 क्रिसमस की। चले मैं बाबा से पूछ लेता हूँ। चले, क्या पैगाम क्या है क्रिसमस का भाई? क्रिसमस का पैगाम है 25 दिसंबर क्रिसमस खुशी के एक अलामत होती है, आमद के 4 अयाम होते हैं,
और हम बड़ा जोश से मनाते हैं क्रिसमस, और अच्छे बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, और बच्चों को कपड़े वैसे भी अच्छे पहनाने चाहिए। हाँ जी, और सारा साल अच्छे पहनाने चाहिए जी। और क्रिसमस खुशी की अलामत और पैदाइश का दिन होता है खुदाम यीशु मसीह का। और क्या करते हैं आप? हम खुदाम यीशु मसीह का करते क्या हैं आपके बस जो आप करते हैं? हम पार्टी वगैरह और प्लस इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इवेंट। अच्छा, अब आपने एक दरख्वास्त मेरी माननी है कि जब भी आप अंदर जाएंगे चर्च, जब भी दुआ करने के लिए प्रेयर के लिए जाएंगे, सबके लिए दुआ करनी। सारे पाकिस्तानियों के लिए। जी जी, मैं करता सिर्फ अपने लिए नहीं करनी, सबके लिए करनी। मैं करता हूँ डेली, जब भी आऊँ मैं सब पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ लाजमी। ये छोटा बेबी कितने देता है अभी? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है अभी। चले, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। भाई कैसे हो? खैरियत से हो? जी जी शुक्र है। चर्च से हो आए हो कि अभी जाना है? अभी जाना है। जाना है, अभी आए हैं। लेट हो गए आप लोग। मैं सुबह आया हूँ, सुबह यहाँ तो 8 बजे भी 9 बजे भी लोग आए हुए थे। जी जी। अच्छा, बार बार प्रेयर होती रहती है साथ जी साथ जी। ओके, क्या दुआ मांगोगे? खुदा से यही दुआ मांगूंगा कि सबको अमन अमन और शांति। हाँ, और क्रिसमस का पैगाम? क्रिसमस का पैगाम क्या है? क्रिसमस का पैगाम यही है कि सबके सबके दिलों में क्रिसमस की खुशियां बरकरार रहें, और गरीबों के लिए ये है कि गरीबों को खुदा। थैंक यू। क्या करते बेटे आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ में। कौन से स्कूल में हो? सर सैयद हाई स्कूल। सर सैयद, क्रिसमस का पैगाम क्या है? क्रिसमस का यही पैगाम है कि सबको मुबारक हो मेरी तरफ से क्रिसमस, आपको भी है। थैंक यू वेरी मच। लंबी छुट्टियाँ जी? नहीं नहीं, ये इसी हफ्ते की है बस। इसी हफ्ते की। चलें, मेरी बहन कैसी है? आप खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्र खुदावन का भाई। क्रिसमस का पैगाम क्या है? क्रिसमस का पैगाम ये है कि खुदा यीशु मसीह दुनिया दे आते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करते हैं, अपने बहनों भाइयों और माँ बाप की सलामती के लिए दुआएं करते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि जब चर्च जाएंगी, अंदर जाएंगी, तो प्रेयर में सबके लिए दुआ करें। ठीक है, सारे मुल्क के लिए दुआ करें। हाँ जी, मुस्लिम भाई बहने भी वो भी इसी, मुझे यहाँ काफ़ी मिले हैं, सिख भी मिले हैं, मुस्लिम भी मिले हैं, सब मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब के लिए दुआएं करते हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो भाईजान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियून है। क्या? सियून। सियून, कितने साल के हो? 6 साल। पहले 6 और अब 8, 2 साल के 1 सेकंड में बड़े हो गए हो। कौन सी क्लास में हो? 1। ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्रिसमस का पैगाम क्या है? सारे पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए, क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे जीसस पापा की बर्थडे थे। ऑल राइट, अब बाकी सब जो लोग यहाँ पे आए उनके लिए पैगाम क्या है? पैगाम अमन है, पैगाम अमन है। आपका बेटा? जी सर, मेरा बेटा ये। माशाल्लाह, क्या पैगाम क्रिसमस का? क्रिसमस के लिए ये पैगाम है जी, सब लोग खुशी खुशी रहें, अपने माहौल को अच्छा रखें, घर को अच्छा रखें, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने बच्चों को टाइम दें। कितनी छुट्टियाँ? छुट्टियाँ 2 हैं। चलो, वेरी गुड। क्या क्या दुआ किया अंदर आज? आज दुआ शुरू थी हुई, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। सीएम साहब आ गए? हाँ जी आ गए। आज और क्या क्या करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी है आज की? आज इन बच्चों को जाके घर में खाना बनाएंगे, वही एक्टिविटी है इनकी। चल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चे, सो मच। आप कौन सी क्लास में हो? ये पढ़ती नहीं है। जॉब करती हैं? कहाँ पे? ओके, क्रिसमस का पैगाम क्या है? स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। कैसे सर, खैरियत से? ठीक ठाक है। क्या क्या दुआ मांगी आज चर्च में? जो जा रहे हैं दुआ पा रहे हैं पाकिस्तान के लिए करेंगे, फलस्तीन और इसराइल के लिए भी करेंगे, उनके सलामती सुबह सफाई होगी सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए, अल्लाह पाक सलामत रखे, हर जगह पे अमन हो। सर, क्रिसमस का पैगाम क्या है? इस दिन का पैगाम है अमन, सलामती, सुलह का पैगाम। क्रिसमस का मकसद है सुलह और सलाम, मोहब्बत। क्या करते हैं आप? रिटायर्ड लाइफ है। चले, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो?
कैरियर से हो, कौन सी क्लास में हो? नाइन्थ। कैथीड्रल में? ओके। बड़े हो क्या बनोगे? डॉक्टर। जस्ट परफेक्ट। क्रिसमस 25th ऑफ दिसंबर, पैगाम क्या है? बस दैट वाज ब्रीफ। आप क्या करते हैं, हाउसवाइफ? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या दुआ की? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप निकले थे सबके लिए दुआ की, सब अच्छा अच्छा दिन आए सबके लिए, खुशी का दिन आए। आमीन। घर में जो लोग हैं उनके लिए भी खुशी का दिन है, तो इसी तरह सबके साथ सेलिब्रेट। फेयर एनफ। 25th ऑफ दिसंबर का पैगाम क्या है? एक इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, पैगाम क्या है, इसकी रूह क्या है इस दिन की? यही कि हमारा जो जीसस था उसने इतने दुख उठाए हमारे लिए, तो हमें भी चाहिए ये सेलिब्रेट करें। थैंक यू। आप कौन सी क्लास में भाईजान? सिक्स। बड़े होकर क्या बनेंगे? पुलिस में। इतने ढेर सारे पुलिस वाले कम है यार, वो देखो पीछे कितने खड़े हुए हैं। आपने भी एक ने बन जाना है, वो डॉक्टर बनेगी, आप पुलिस। क्या पैगाम क्रिसमस पे? चलो अपने खुदावन के लिए दुआ करते हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं, ये हम सबके लिए खुशियां बांटनी चाहिए। चले अब आपका प्रेयर का टाइम हो गया, अंदर जाए। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मेरी क्रिसमस टू यू गाइस। यस। एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग यू? For me, of the Christmas is for loving, sharing, and peace. All every people, we are happy. That is my wish for my Christmas. All right. And did you go to church or didn't yet? Not yet, because I think this time is Urdu. Okay. So the Christian, I don't know what is the time for the start for the English. All right. We can find that out for you. So I will not go inside because we don't understand the language. All right. All right. So it's your day off? Yes, it's every December 25. This is a special holiday for them. Yes. Philippines. All right. Yes. Enjoy your day then. मेरी बहन कैसी है? खैरियत से हैं। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ। आप भाईजान? जी मैं क्लब में। क्लब में नो जॉब करते हैं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर, पैगाम क्या है इस दिन का? क्रिसमस जो से हम मनाते हैं वो हमारे जीसस हैं, यीशु, उनका मैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पैगाम क्या है दिन का, दुआ क्या है, विश क्या है? इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे। हाँ, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं। नाइट को भी हमने चर्च किया था। ओके। और डे पे भी हम चर्च कर रहे हैं। हर संडे नहीं आते? जी हर संडे आते हैं। हर संडे हम हमारे घर के पास है, वहाँ जाते हैं। ओके। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं बैंक स्टॉप में। ओके। सही। कितनी छुट्टियाँ? हाँ, तीन छुट्टियाँ। चले, इन्जॉय योर हॉलीडेज। थैंक यू। कैसे हो भाईजान? खैरियत से। क्या नाम है आपका? अमन। आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हो आप? मैं सलून का। सलून। सलून। पढ़ाई छोड़ दी है? नहीं, करते वो भी साथ साथ ही है। कौन सी क्लास में? मैं भी 8 में। और आप? मैं भी 8। मेरे दोनों क्लास फेलो? नहीं। हाँ, और दोनों सलून में इकट्ठे हो? हाँ जी। कौन सी सलून? छोड़ दिया था, फिर करना है। फिर करना है? हाँ जी। छोड़ा क्यों था और करना क्यों है? वैसे ही वो अभी तो पढ़ने का टाइम बेटे, पढ़ने का टाइम अभी तो आपका। नहीं, पढ़ लिया जितना पढ़ लिया, बस तालीम खत्म शुद्ध। अच्छा, आप मुझे ये बताओ क्या करने आए हो आज? चर्च करने प्रे, हर इतवार को भी आते हो या कभी कभी? नहीं आते, संडे को फैमिली के साथ। अभी भी फैमिली अंदर ही है। अंदर ही है। क्रिसमस का पैगाम क्या है? क्या मतलब? क्रिसमस डे का मतलब क्या है? क्यों सेलिब्रेट करते हो क्रिसमस? वैसे ही हमारे खुदा का वो खुशी का दिन होता है ना। हाँ, खुदा हमारा पैदा हुआ था इसकी हम खुशी में। अच्छा, पाकिस्तान में बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए पाकिस्तान में कभी कोई फर्क तो नहीं महसूस? फकर है, क्रिश्चियन है। वेरी गुड। हाँ भाई, क्रिया क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन होने पे फखर है या पाकिस्तानी होने पे फखर है? क्रिश्चियन। दोनों पे फखर नहीं है? दोनों में। पाकिस्तानी होने पे भी तो फखर होना चाहिए ना हमें? दोनों में। चलें, थैंक यू वेरी मच। फैजान कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल सर, खुदावंद का शुक्र है। क्या करते हैं आप? सर हम मुलाजमत करते हैं, सरकारी मुलाजिम है जी। तनख्वाह लंबी है? तनख्वाह लंबी सर, क्योंकि मैंने पता लग गया पिछले दिन रौला पिया सरकारी मुलाजमत, तनख्वाह लेट हो गई है। नहीं सर, आर्मी जो रिटायर। अच्छा, रिटायर। और आप? हम एक मजदूर आदमी हैं, अच्छा ड्राइवर हैं। अच्छा। हैं जी, सही सही मामला चल रहे हैं जिंदगी के, उनका शुक्र है, रोटी दे रहा खुदा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही यही रौला है कि रोटी पूरी होती रही, इज्जत से बस खुदा दे रहा है बस।
مشکل تھوڑی مشکلات ہیں لیکن کوئی نہیں خدا بندہ بھی اچھا کرے گا سبھی کے ساتھ ہے نا وہ تو مطلب روز کوئی کبھی بھی اشارے پہ کہیں کھڑے ہو جائیں کوئی مزدور ملے گا جو آپ جاب دیتے ہیں ہاں جی اپنے ملک کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلیں گے لازم چلیں گے ضرور پاکستانی ہوتے ہیں ہاں جی فخر ہے بہت بڑا کبھی کوئی مسائل کبھی کوئی پتہ لگا ہو کہ یار زندگی میں آتے رہتے رہے نہیں صرف کرسچن ہوتے ہیں مطلب میں اگر مشکلات پریشانیاں بہت ہیں لیکن ایسے خدا نے آدمی پیدا کیے ہیں ادھر جو سالو کر دیتے ہیں مسئلے شکر الحمدللہ اچھے آدمی بھی ہمارے قیادت اچھی ابھی ہو رہی باقی زیادہ اچھے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا انتظام ہو رہا ہے بہت اچھا ہاں جی اس مرتبہ بہت زیادہ اچھا انتظام کیا اس کا مطلب محسن نقوی صاحب نے پھر زیادہ اچھا بہت اچھے آدمی ہیں ہاں جی دیکھے ہی بڑے خوش ہوئے ہم سے بھی واقعی ویری گڈ یار محسن صاحب تھینک یو کہ آپ نے ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کو لائک یو میڈ دیم اسمائل یو گیو دیم ا ریزن ٹو اسمائل اچھا ایک مجھے آپ کب ریٹائر ہوئے ہیں 2001 میں 2001 انیل پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی ہاں جی بہت آپ کی عمر تو اتنی لگ رہی مجھے کتنی عمر ہے 18 سال عمر میری تقریباً 60 کا سال ہے اچھا تو 60 میں جو ریٹائر ہوتے ہیں آپ نے پہلے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی میں 36 سال کا سے ریٹائر ہوں کیوں بس 18 سال کی عمر میں خود ہی لیے انہوں نے ریٹائر کر دیا فوج نے نہیں آپ ہی ریٹائر آپ لی اب کیا کرتے ہیں اب میں سر بیٹے ہوں ڈیوٹی کر رہے ہیں ماشاء اللہ فوج میں ہاں جی نہیں بیٹے اب اسٹیڈیم میں چلا گیا میرا ماشاء اللہ ہو گیا ویری نائس ویری نائس بچے پڑھائے میں نے سر اپنے ویری گڈ انجینئر بنا ویری گڈ ویری آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں میرا بیٹا ہاں میری بیٹی میٹرک کلاس میں ہے آپ ہو کیا کرو گی بڑی ہو کے مطلب فردر بڑی ہو کے فردر بڑی ہو کے میں آسٹریلیا جاؤں گی بھائی آسٹریلیا وہ بھائی صاحب کے بچے تو چلے گئے تایا آپ کے جی ان کے تو چلے گئے اب آپ بھی اسی لائن پہ چلو گے اچھا انجینئرنگ کون سے اسکول میں ہو میں گورنمنٹ اسکول جاتی ہوں گورنمنٹ اسکول جاتی ہوں اسکول بچے ایک سے ہوتے ہیں پڑھنا آپ نے خود ہے یہ ایک غلط فہمی ہمارے پاکستان کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ بہت اچھا اسکول ہوگا تو بچہ بہتر پڑھے گا محنت آپ نے کرنی ہے سرکار یہاں پہ ابھی نا آئی جی اور یہ سارے آئے ہوئے تھے پولیس اور یہ سارے چیف سیکرٹری سی ایم آئے ہوئے تھے ان میں سے زیادہ تر سرکاری ملازمین سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن آج دیکھو ماشاء اللہ 22ویں گریڈ کے ملازم سر محنت کی بات ہے محنت کی بات ہے محنت اور مقدر دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کامیابی ہے اپنی محنت کرنی ہے سرکار نے بھی دیکھنا سر جی اپنی محنت کرتے جائیں باقی پوچھو گورنمنٹ اسکول سے کی اس کے بعد جی سی کالج میں ایف ایس سی کی کس نے بیٹے نے ویری گڈ اس کے بعد یو ای ٹی میں اپلائی کیا ادھر بھی محنت کی ہوگی نا محنت کی ہوگی آپ نے محنت ادھر بھی سر پڑھائی کے زور میں ان کو ویزا ملا ہے ورک ویزا ویری گڈ ویری گڈ ہم کدھر بھیج سکتے تھے ویری گڈ ہاں جی مخت ہی ادا کام ہوا سارا سرکاری تو تھی گئے آسٹریلیا نہیں جانا ہے ویزا اپلائی نہیں کیتا نہیں دو تین مہینے تک میں بلاؤں گا میں سیٹل ہو جائے ذرا اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد مالک کرے گا اچھا کرے گا خدا نے ویسے پک کر لیا انجینئرنگ میں ادھر جاب مل گئی اس کو باقی پتہ بڑے بڑے دو ادھر آئے ہوئے ہیں وہ اوپر چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کہتا مجھے انجینئرنگ جاب مل گئی ادھر ویری گڈ بڑا اچھا ہو گیا ان کے چلے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے اور بڑی خوشی ہے اس میں بہت آپ کو بھی سر بہت بڑی تھینک یو تھینک یو ویری مچ تھینک یو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو بہت بہت تھینک یو کہتے ہیں تھینک یو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو بہت شکریہ کی تمام قیادت کو بہت تھینک یو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ تھینک یو گاڈ بلیس تھینک یو تھینک یو کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ہاں جی شکریہ بچوں پہ محنت آپ نے کی ادھر نے کی دیتا بہت دو دن نہ کیتی میں تھوڑی کیتی ضرور تھوڑی کیسے انہوں نے زیادہ کیسے کی آپ نے تھوڑی کیسے کی ماں کا تو زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ بچے ماؤں کے باپ تو صبح کمانے نکل گیا گھر کا تو میں نے سنبھالا بیٹی سے میری ساتھ اس نے بڑا نال کیا اچھا 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 تو اب بیٹا آسٹریلیا میں ہے اور بیٹی بیٹی گھر میں ہی ہے کم از کم یاد ہے آپ لوگوں کو بار بار لوگوں کو بتایا کریں کہ بیٹیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے بیٹیاں بہت بیٹیاں بھی پڑھائے تینوں بیٹے پڑھائے ماشاء اللہ کرسمس کا پیغام کیا ہے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پیغام کیا ہے ہم سب ایک ہے بے شک ایک ہے بے شک اور کرسچن سب ایک ہم تے مل کے چلیں گے انشاءاللہ اب یہی دعا آپ نے چرچ جا کے اندر بھی کرنا ہاں جی کریں گے یہی دعا آپ نے ہم تو ریگولر تھینک یو ہم پڑھنے دعا کرتے ہیں تھینک یو ویری مچ تھینک یو میں تو کر ہی نہیں ادھر تو آئے ابھی کر رہے ہیں دنیا میں بہت تھینک یو آپ کو بہت بڑی میری بہن کیسی ہیں آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے کیا کرتی ہیں میں بیوٹیشن اوکے کرسمس کے دن کا 25 دسمبر کا پیغام کیا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سب سے پیارا ہمارے لیے دن ہے کیونکہ اس دن ہمارا خداوند پیدا ہوا تھا اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا دن ہے اوکے پاکستان میں کرسچن ہوتے ہیں کبھی کوئی پرابلم کبھی بالکل بھی نہیں بالکل
एवरीथिंग इज गुड यस सर चले परफेक्ट आप क्या करती हैं मेरी बहन मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ जी नर्सिंग असिस्टेंट का काम करती हूँ ओके कौन से हॉस्पिटल में है फातिमा मेमोरियल सैलरी टाइम पे आ गई थी इस दफा जी क्योंकि यहाँ पे मुझे अगले दिन हमारी वो आपकी एक बहन हमारी है मेरी जेम्स गिल वो शोर मचा के बैठी हुई थी कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की सैलरीज लेट हो गई और क्रिसमस नहीं है कुछ भी नहीं है चले दैट इज जस्ट परफेक्ट पर हमें तो टाइम से मिलती है आप आई थिंक वो सेमी प्राइवेटाइज्ड है ना आपका इदारा जो वो सेमी प्राइवेटाइज्ड है सरकारी मुलाजमीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था क्रिसमस का पैगाम क्या है रूह क्या है क्रिसमस के डे की रूह क्या है इससे क्या मैसेज जाता है सबको मैसेज यही है कि हमें जो गरीब हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए yes, yes. ताकि वो भी हमारी तरह वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करें और हमें भी चाहिए कि हम भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें क्योंकि इस दिन जीसस पैदा हुए थे थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर आप कैसे हो भाईजान एक दो तीन तीनों ने एक ही जगह से हुडीज ली हैं जी वेरी गुड क्या नाम है आपका जुनेद क्या करते हो मैं पढ़ाई छोड़ दी जी क्यों यार ये इतना बेहतरीन स्कूल है मैं तो बड़े अरसे बाद आ गया हूँ कैथेड्रल में और इतना कमाल का स्कूल है क्यों नहीं पढ़ते आप लोग कितना पढ़ा सात तीन साल और लगा लेते मैट्रिक तो हो जाता आप कौन सी क्लास में हो कि छोड़ दी फाइव पढ़ने आ गए या बस फारिग करा देंगे पढ़ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी बेटे अभी मुझे ये आरिफ साहब मिले हैं उनका बेटा वो ये पीछे आपके खड़े में उनका बेटा इंजीनियर बन के ऑस्ट्रेलिया चला गया वो जाएगा ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी फैमिली की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी सो तालीम नहीं छोड़नी ऐ भाई रही उन फर्नीचर ही बनाते रहेंगे मतलब मैं तो अभी भी कहूँगा कि वापस आओ पढ़ाई की तरफ आओ अभी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई की तरफ ये भाई है आप इसके चचा हो नहीं हमारा तो फिर आप चाचू कैसे हो गए आप कैसे चाचू हो गए चाचू वो कजन है आपका कजन है चाचा इसका आप पढ़ती हो कौन सी क्लास में हो सेवन और फर्दर पढ़ के क्या करने का प्रोग्राम क्या है डॉक्टर वेरी गुड गुड लक टू दैट लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और बेटे गिव अप नहीं करना बीच में भी कि प्रॉब्लम आए ये वो आए मेहनत करते जाना क्रिसमस का पैगाम क्या है थैंक यू वेरी मच आपका क्रिसमस का पैगाम लोगों के लिए खुशी है और आप भैया पान खा के आए हो नहीं पान वैसे ही बदल ऑल राइट थैंक यू मेरी तरफ से मसीह प्रावा नु सलाम कहनावा ते वड़ा दिन मुबारक कहनावा थैंक यू वेरी मच क्या नाम है आपका साबी क्या करते हैं खोती रेड़ी चलाते हैं खोती रेड़ी चलाते हैं गुजारा हो रहा है मामला से जिंदगी चल रहे हैं अब बस कर रहे हैं दोबारा बार बार इतना जोर लगता है हाँ बोल दे कोई और डायलॉग कोई और डायलॉग बोल दे ए पाकिस्तान दी ओ धरती है जिथे हर मसीह ओए सजदा कर देवे ओए क्या बात है वाह जी वाह वेरी गुड सलामी प्रावां नु भी मेरी तरफो सलाम जी क्या बात है थैंक यू वेरी मच दैट वाज ब्यूटीफुल बच्चे शादीशुदा है माशाल्लाह हां जी बेटा बड़ा मेरा स्कूल में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया नौ पढ़े तो आगे क्यों छोड़ दिया इसने बस हालात घर के खराब हो गए गरीबी है बहुत ही वजह तो क्या कहां है बेटा आपका है बेटा मेरा भाईजान जी सर तालीम छोड़ दी हां जी क्यों बस थोड़े से घर के हालात ऐसे यार सरकारी स्कूलों में तो प्रॉब्लम नहीं होता सरकारी स्कूलों में तो चलता बस जाहिर सी बात है कोई कमाना भी तो पड़ता है ओके सिर काजला पैना जिन्ना दे भरा जांदे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ शादीशुदा है हाँ जी अब एक प्रॉमिस क्रिसमस डे पे आपने मेरे से भी करना है जी कि अपनी औलाद जो आपके बच्चे हैं माशाल्लाह उनकी तालीम पे बहुत तवज्जो देना बहुत तवज्जो देनी है कह लीजिए कि ज़िंदगी का मकसद ये बना लीजिए कि बच्चों की तालीम एक बेटी है और मेरा माइंड भी यही है कि उसको
کچھ نہ کچھ بڑا افسر بنانا ہے. افسر بنے تعلیم سے انسان بہت بہتر بن جاتا ہے نا. پھر یہ افسریاں شفسریاں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں جب انسان بہتر ہو جاتا ہے نا. ایسے ہی زندگی کے آپ فائٹ بیک کرنا سیکھ جاتے ہو تعلیم سے تو یہ بہت چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. کرتے کیا ہو آپ؟ میں رکشہ چلاتا ہوں. رکشہ چلاتے ہیں. معاملات چل رہے ہیں روزگار زندگی کے چل رہے ہیں. چلیں شکر الحمد للہ. بھائی جان بہت شکریہ بہت مزہ آیا. مرے مرد پینا اے مسلمان کرسچن سارے ایک پین پرانے آدم دی ساری نسل ہے. آدم دی ساری نسل ہے. کیا بات ہے. تھینک یو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو تھینک یو. شکریہ آپ کا. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس. میرا اور آپ کی مل گئی سویٹر مل گیا. چلے کیا کرتے ہیں؟ میں ایچ آر میں جاب کرتا ہوں. کہاں پہ؟ فاطمہ مرغی ہاسپٹل ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں. اوکے. کرسمس کی روح کیا ہے؟ کرسمس کا پیغام کیا ہے سارے پاکستانیوں کے لیے؟ باقی لوگ جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں کرسمس کا پیغام تو یہی ہے امن صلح سلامتی کا دن ہے یہ. تو خداوند یسوع مسیح پوری قوم کے لیے آئی, امت کے لیے آئی, کہ صرف کرسچنوں کے لیے نہیں آئی, تمام امتوں کے لیے آئی. فیئر انف. فیئر انف. جی. بینگ کرسچن. بینگ کرسچن. پاکستان کے اندر رہتے ہیں کبھی کوئی پرابلم یا کبھی کوئی فیل ہوا ہو کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں. آفس میں بھی نہیں کبھی ہوتا, اسکول کالج میں بچے بھی جاتے ہیں نہیں ہوتا. ہماری بیٹی جینیفر ایز اے کرکٹر پاکستان میں فاسٹ بالر آنے والی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. گڈ لک ٹو دیٹ. اللہ کرے کہ وہ کامیابی سے کھیل رہی ہے. کہاں سے کالج؟ کنیر کالج کی طرف سے. از شی گڈ؟ ہاں فاسٹ بالر ایز اے فاسٹ بالر. ابھی اندر گئی ہے چرچ کرنے کے لیے. مجھے ملوائیے گا پلیز. مجھے ملوائیے گا. اس کے کوچز بھی ادھر ہی آئے ہوئے ہیں سر. بادل گیلا اس کے کوچ. صحیح. اور میں ایک مسیحی گیت گانا چاہتا ہوں جی. پلیز پلیز. اسی یسوع دے بندے ہاں. اوکے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اسی یسوع دے بندے ہاں, آزاد پرندے ہاں, نفرت دے بدلے اسی پیار ہی دیندے ہاں. اسی یسوع دے بندے ہاں, آزاد پرندے ہاں, نفرت دے بدلے اسی پیار ہی دیندے ہاں. سب کو کرسمس مبارک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ دائم. دائم صاحب کیا کرتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ ون میں. ون میں. بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ہاں سوچا نہیں ابھی. کیا بات کر رہی؟ کیا پیغام دو گے؟ ہماری طرف سے سارے بہن بھائیوں کو میری کرسمس. تھینک یو. آپ بھی کون سی کلاس میں ہو؟ ٹو کلاس میں. ٹو. کون سا اسکول ہے؟ جونیئر اسکول. اوکے کیا میسج ہے؟ میری طرف سے تمام بھائیوں بہنوں سب کو, بہن بھائیوں سب کو, بہن بھائی بڑے چھوٹے سب کو میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بھائی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں جی خدا کا شکر ہے. کرسمس کا پیغام کیا ہے سب کے لیے, سارے پاکستانیوں کے لیے؟ کرسمس ڈے کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے سلامتی مانگتے ہیں. خداوند سلامتی دے اور خداوند جتنے آج جو مبارک دن ہے اس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. یہ باعث سے برکت ہو اور ہم شکر کرتے ہیں. آج خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا ہے. لاکھ کروڑوں لوگ جو دنیا سے چلے گئے, شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہمیں زندہ رکھا. آج ہم اپنے خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں, اس کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج کے دن وہ پیدا ہوا. شکر ہے اس مالک کا. اس دفعہ کرسمس پہ کوئی انتظامات میں فرق نظر آیا آپ لوگوں کو؟ بس سادگی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی خوش ہیں آپ لوگ انتظامات سے؟ بالکل. تھینک یو. بھجن کیا کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کرتے ہیں. معاملات زندگی چل رہے ہیں؟ خداوند کا شکر ہے. شکر الحمدللہ. کیا پیغام ہے کرسمس کا لوگوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے؟ میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ سب کو میری طرف سے ہیپی ایسٹر اور سب کو جس طرح یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کرسمس کی خوشیاں سب کو خدا نصیب کرے اور اسی طرح لوگ اکٹھے ہوں ہنستے کھیلتے رہیں. آمین. شکریہ. بچوں کو اسکول میں کروایا ہوا ہے؟ جی بچے میرے اسکول میں پڑھتے ہیں. جتنی بھی محنت کرنی پڑے کوئی مسئلہ نہیں. تعلیم بچوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. نو پرابلم. ٹھیک ہے. نو پرابلم. اور یہ میرا مشورہ بھی ریکویسٹ بھی یاد رکھنی ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کرنا. نو پرابلم. ٹھیک ہے. اسکول پڑھنا ہے. اوکے اوکے اوکے. چلو تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر دیکھ کے. انایا. ادھر دیکھ کے. ادھر دیکھ کے. انایا.
ये दांत किधर गया? चूहा ले गया, चूहा ले गया, चूहा चूहा ले गया। आप रात को सोई चूहा दांत ले गया, कोई बात नहीं वापस आ जाएगा, दांत जितने मेरे भी चले गए थे वापस आ गए। क्या पैगाम है क्रिसमस का? सबको हैप्पी क्रिसमस। मैं कहना चाहती हूँ सदाम मसीह हमारे लिए पैदा हुए और उसने हमारे लिए स्लीपर जान दी। मेरी क्रिसमस थी कहेंगी? मेरी क्रिसमस। कौन सी क्लास में है? वन। पढ़ाई ज़रूर करनी है, छोड़ना नहीं पढ़ना। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेबी, जल्दी आओ जल्दी। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? प्रिया यूनुस। ऊंची बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। प्रिया यूनुस। कौन सी क्लास में आप? 1B। 1। और बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर, जस्ट ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। पहचान कैसे? कैरियर से आपकी बेटी है? जी जी। सबसे पहले तो वादा कीजिए मेरे से कि एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं, जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, बच्चों की तालीम मुकम्मल करवानी है, जो भी बनना चाहे बनाना है। अब मुझे ये बताइए कि मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि पिछले साल क्रिसमस के अरेंजमेंट्स और इस साल क्रिसमस के अरेंजमेंट्स में बड़ा फ़र्क है, है कुछ? कुछ नहीं, सेम ही एज इट इज। सेम एज इट इज। ओके, मतलब आप लोग मुतमईन अरेंजमेंट? मुतमईन। चलें, फेयर एनफ। अब क्रिसमस का पैगाम क्या है जो पाकिस्तानी, जो सारे आपको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम क्या है? अमन, अमन, पीस। पीस, ताकि जहाँ भी जंग वगैरह हो रही है वहाँ अमन होना चाहिए। अमन फलस्तीन में खास तौर पर, वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं। यस यस, वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। आप अपने बच्चों को महसूस करें उनके, खासकर क्रिसमस के मौके पर। हमारा पैगाम है कि वहाँ अमन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी आपका क्या नाम है? एंजल अस्कर। एंजल, वेरी नाइस। कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में हूं मैं। 6? जी। मुझे तो लगा सेकंड या थर्ड ग्रेड में होगी। वाकई में? कितने साल के हो? मैं 12 ईयर हूं। 12, माशाल्लाह। बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। ये छोटी ने भी डॉक्टर बनना है, आपने भी डॉक्टर बनना है? नहीं, मैं इनकी फैमिली में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फैमिली एक ही होती है, सब एक ही फैमिली है, सब एक ही होते हैं, फैमिलीज में डिफरेंसेस नहीं होते बेटे। अब मुझे ये बताओ क्रिसमस का पैगाम क्या है? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्रिसमस वाले दिन हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए, बदतमीजी एक दूसरे से करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। फेयर एनफ, तरीके से रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बच्चे कितने साल के हो? 14। कौन सी क्लास में हो? 8 में। क्रिसमस डे के ऊपर क्या पैगाम है जो बाकी लोग देख रहे हैं आपको, उनके बस लिए? कुछ नहीं, सारे अपने फैमिली के साथ मिलकर खुशियां मनाया करें। और बस बड़े होकर क्या बनोगे? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर, चलें गुड लक विद दैट। लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत करनी है, उसके बाद बी व्हाटएवर यू वांट टू बी। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्या करती हैं आप? मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हैं। क्रिसमस डे का पैगाम क्या है तमाम लोग जो देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस सबको, और पैगाम ये है कि हर त्यौहार अच्छा है और मनाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में मेरा पैगाम इस शो में भी एक ही है, तालीम, और तालीम पर जितनी भी तवज्जो दी जाए उतना कम है। तमाम देखने वालों को मेरी क्रिसमस, लेकिन एट द सेम टाइम इस क्रिसमस डे के ऊपर अपनी अपनी फैमिलीज, अपने अपने बच्चों को सामने बिठा कर एक तहिया कीजिए कि यार नेक्स्ट ईयर में हमने अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज की तालीम के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे बताया गया कि ये हमारे साथ सेंट एंथनीज के, थ्रीडवेल के तमाम स्कूल जो हैं यहाँ लाहौर के, स्पेशली क्रिश्चियन मिशन स्कूल जो हैं यहाँ पर भी 10% जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ क्रिश्चियन रह गए, बाकी 90% मुसलमान हैं। तालीम को बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारी सिख कम्युनिटी जो है, इनको भी, तमाम माइनॉरिटीज़ जो हैं, हमें इनके ऊपर भी, इनकी तालीम, इनके बच्चों की तालीम के ऊपर, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि जब तालीम आएगी तो शऊर आएगा, तब हम तमाम पाकिस्तानी इक्वल सिटीज़न बन सकेंगे। जब तक वो शऊर नहीं आता, जब तक वो तालीम नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फैजान कैसे हैं? ज़बरदस्त सर, खैरियत से? यस। क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है जी। यूसुफ भाई क्या करते हैं? मैं स्वीपर का काम करता हूँ जी। स्वीपर? हाँ जी। थैंक यू वेरी मच यार, हम लोग सारे कूड़ा फेंक रहे होते हैं, आप लोग हमारा गंद उठा रहे होते हो, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मैं सर 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ। हाँ जी, 21 साल। तनख्वाह टाइम पे आई थी इस दफा? हाँ जी, टाइम पे आई। चले, जस्ट ब्रिलियंट। यूसुफ भाई क्रिसमस डे पे, हाँ जी, पैगाम कोई? पैगाम ये है कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन, आमीन। जैसे हमें क्रिसमस मुबारक है, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और तो ये मुझे बताइए कि आज कपड़े बड़े स्पेशल से आपने पहने हैं, इसके पीछे क्या सोच थी? दरअसल मैं क्रिकेट का खिलाड़ी था, पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिल सका। आज से 30 साल पहले की बात है ये। तो गेटअप मेरा वही है।
तो झाड़ू लगा रहा हूँ। हाँ जी, ये आप यकीन माने मुझे आपके काम पे फखर है, खुदा की कसम। हाँ जी, मुझे आपके काम पे फखर है। झाड़ू लगाते हैं, इज्जत बहुत है, इज्जत बहुत। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।